أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ैन नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी ज़ुबान से निकलती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस नाम के अफराद की हसूल ज़िंदगी क्या होती है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामिक नामों में किया जाता है। जिंस है लड़का, यानी इस नाम का शुमार लड़कों के नामों में किया जाता है। ये नाम उर्दू में तीन हरूफ और एक लफ्ज पर मुश्तमिल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस नाम का इस्तेमाल ज़्यादातर किन ममालिक में होता है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। ज़ैन के मानी हैं खूबसूरती और जीनत। जबकि इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाले रंग हैं पीला, सफ़ेद और हल्का सब्ज़। इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाले दिन हैं सोमवार और जुमेरात। जबकि सब्ज पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत पत्थरों में शुमार किया जाता है। जबकि हिंसों के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए मुआफिक समझा जाने वाला दांत है कांसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझा जाने वाला नंबर है 4। ज़ैन की तफसील है ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद ज़ैन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में होता है उसमें सरफ़रिस्त है पाकिस्तान, नंबर 2 पर है यूएई और नंबर 3 पर है बांग्लादेश। इस नाम के अफराद की हसूल ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है कि ये खुद को तनहा महसूस करते हैं और चाहते हैं कि लोगों के साथ मिलकर रहें। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।